नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी टाटा आईपीएल 2022 की समाप्ति के जस्ट बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है, जहां पर भारत और साउथ अफ्रीका आपस में 5 मैचों की बहुत ही शानदार T20 सीरीज खेलने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये T20 सीरीज होने वाली है। और फाइनली BCCI और अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर इस पूरी की पूरी T20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। और इस वीडियो में आपको इस सीरीज से जुड़ी A to Z हर इंफॉर्मेशन बिल्कुल अच्छी तरह से देखने को मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे इस सीरीज का पूरा सेट, ड्यूल वेन, न्यूज टाइमिंग, टेलीकास्टिंग, लास्ट टाइमिंग डिटेल्स, और साथ ही साथ हम इस सीरीज के लिए दोनों ही टीमों के फाइनल स्क्वाड्स को भी पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पूरी की पूरी T20 सीरीज के पूरे शेड्यूल एंड वेन्यूज के बारे में। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि T20 सीरीज का पहला T20 महामुकाबला हमें 9 जून को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में देखने को मिलेगा, दूसरा T20 महामुकाबला 12 जून को कटक में होने वाला है, तीसरा T20 मैच 14 जून को विशाखापट्टनम के स्टेडियम में देखने को मिलेगा, चौथा T20 महामुकाबला 17 जून को राजकोट के मैदान पर होने वाला है, और पांचवा व अंतिम T20 महामुकाबला में 19 जून को बेंगलुरु के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग के बारे में हम बात करते तो भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से इन पांचों T20 महामुकाबलों की शुरुआत होने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं उन सभी बड़े अपडेट्स के बारे में जो इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स के रिगार्डिंग है। तो वही पहला अपडेट तो ये कि यहां पर इस सीरीज से सभी बड़े बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट पर रखा गया है। जी हां, आपके विराट कोहली, आपके रोहित शर्मा, आपके मोहम्मद शमी, सभी बड़े बड़े खिलाड़ी, जसप्रीत बुमराह भी यहां पर इस सीरीज से रेस्टेड रहने वाले। और इसके जस्ट बाद जो भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज होगी, उस सीरीज में सभी सीनियर खिलाड़ी कमबैक करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट है कैप्टन को लेकर। जी आप सभी को बताना चाहूंगा कि कैप्टन रोहित शर्मा यहां पर रेस्टेड है, जिसके चलते बड़ा सवाल था कि भाई कौन होगा कप्तान, KL राहुल होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, बाकी भी काफी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन दोस्तों यहां पर KL राहुल को भारतीय टीम की कमान संभालने का मौका मिला है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो अपडेट है टीम में नए खिलाड़ियों की वापसी को लेकर। जहां काफी सारे यंगस्टर्स को यहां पर खेलने का मौका मिलने वाला है, जहां पर आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि दीपक हुड्डा को टीम में शामिल किया गया, उमरान मलिक है, हर्षदीप सिंह है, और उसके अलावा भी भाई यहां पर काफी सारे बड़े बड़े खिलाड़ी टीम में कमबैक कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक को भी यहां पर भारतीय टीम में खेलने का मौका मिलने वाला है, जिसके चलते भारतीय टीम की जो स्क्वाड्स है काफी खतरनाक यहां पर बन गए हैं। इस सीरीज के लिए BCCI ने भारत की 18 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। चलिए भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड्स पर हम नजर डालते हैं। तो टीम इंडिया यहां पर 3 प्रॉपर बल्लेबाजों के साथ उतरने वाली है, जो यहां पर होने वाली है KL राहुल, ऋतुराज गायकवाड़ और सुरेश अय्यर। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स की, तो भाई 3 प्रॉपर विकेट कीपर बल्लेबाज यहां पर भारतीय टीम के साथ मौजूद होंगे, जो है ईशान किशन, ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो भाई 4 प्रॉपर ऑलराउंडर्स यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स के साथ मौजूद होने वाले हैं, जो यहां पर है हार्दिक पांड्या, दीपक हुड्डा, वेंकटेश अय्यर और अक्षर पटेल। अंत में हम बात करते हैं गेंदबाजों की, तो भाई 8 प्रॉपर गेंदबाजों के साथ इस सीरीज में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय टीम उतरने वाली है, जो यहां पर है युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, आवेश खान, अर्शदीप सिंह और उमरान मलिक। तो दोस्तों कुछ ऐसी 18 सदस्यीय टीम इस सीरीज के लिए BCCI ने भारतीय टीम की घोषणा की है। काफी शानदार ये प्लेइंग टीम और इसके अंदर से बहुत ही खतरनाक प्लेइंग 11 यहां पर भारतीय टीम की बनने वाली है। लेकिन आपके मुताबिक क्या होनी चाहिए इस सीरीज में भारतीय टीम की आइडियल प्लेइंग 11, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।